जय श्री कृष्णा। कल आपने सुना था पंडित विद्याधर गंगा स्नान करने के कारण उत्तम रूप को पाता है और फिर वह अपनी पत्नी सहित मणिग्रवा पर्वत पर आनंद से रहने चला गया। साथ ही भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों के साथ इवा नदी के तट पर आ गए। आज आप सुनेंगे उससे आगे। इससे पहले यदि आपने कल का अध्याय नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर आपको पहले की कथा मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, अब मैं माघ माह के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था वही माघ मास महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरने के समान है। विष्णु भगवान की पूजा नहीं करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध करने वाला मनुष्य, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा नहीं करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी का, बिना जले अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थयात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेहयुक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद नहीं जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक का मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक कार्य करना, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ माह में स्नान किए बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु, पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ माह के स्नान से ही पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो भी मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांपते हैं। जैसे बादलों के हटने पर चंद्रमा का प्रकाश दिखता है, वैसे ही मनुष्य माघ माह में स्नान करके प्रकाशमान होता है। मन, वचन और कर्म से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में या बिना जाने हुए जो पाप हो जाते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ माह में स्नान से मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने वाली पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो भी मनुष्य माघ मास का स्नान नहीं करते, वह मनोवांछित फल देने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। फिर दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्रह्माणी थी जो कि बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च आवृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन किया करती थी। वह वलकल धारण करती और संतोष से अपना जीवन बिताती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही उसने मृत्यु को प्राप्त किया।
उसने माघ माह में स्नान किया था, इसके फल से उसने दिव्य 4000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास किया और सुंद तथा उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब वहां पर सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी, आप दोनों भी चलकर देखें। यह बात सुनकर वे दोनों अपने साथ मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा का पान करते हुए काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों आपस में ही उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए झगड़ा करने लगे। फिर आपस में युद्ध करते हुए दोनों वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा ही कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। फिर दत्तात्रेय जी कहते हैं, सो हे राजन, वह ब्रह्माणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धा से जो भी पुरुष उत्तम गति को पाने के साथ प्रयत्न करता है, साथ ही माघ मास में विधिपूर्वक स्नान करता है, उसे हमेशा ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। फिर दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय में सतयुग से उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के समान धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गाय, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था, दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी इत्यादि अनेकों तरह की वस्तुओं को बेचा करता, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करना प्रारंभ किया, भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुएं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक दान करता, गांव के चारों तरफ जल की प्याहू लगवाता, उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता रहता। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और वहां पर विष्णु भगवान की आराधना करने में शरीर को सुखाकर और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कार्यों को करने लग गए। वे दोनों ही वैश्यगामी थे, वीणा और बाजे को लेकर वैश्याओं के साथ गाते रहते, अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, शरीर पर सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए, हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के समान वह अपने धन को बुरे कार्यों में नष्ट करते, कभी भी किसी भी सत्पात्र को दान नहीं किया और न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु जी का पूजन ही किया। थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वे दोनों ही दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हुए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ किया और राजा के भय से ये नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया था, और दूसरा वन को गया,
जो कि काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले आए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी से उन दोनों के कर्मों का लेखा जोखा मांगा। चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ पर उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी ही विनम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े ही आश्चर्य के साथ मन में संदेह कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कार्य किए। दोनों भाइयों ने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नर्क क्यों और दूसरे को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं जानता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन, ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्मों को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र माता पिता भाई सभी का संगम होता है। इनमें से जो भी जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो पूरे जन्म में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदा ही पापों के कार्य में लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता, यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके मुझे बताओ। तब यमदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने दो बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो हे वैश्यवर, तुमने दो बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग मिला है और तुम्हारा भाई नर्क को प्राप्त हुआ है। फिर दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतो, सज्जन पुरुषों के साथ सात पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होता है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सब कुछ जानने वाले हो। आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।